जिंदाबाद आजादी दिलाऊंगा। अरे बेटा पहले बड़े हो जा, उसके बाद इन सारे अंग्रेजों को मारूंगा और अपने देश को आजादी दिलाऊंगा। चल बेटा चल चल। जी चाचा जी। भगत सिंह बड़े हो चुके हैं। बड़ा होकर वो एक सभा का गठन करते हैं, क्रांतिकारी सभा का गठन करते हैं, जिसका नाम है भारत नौजवान सभा, जो कि बाद में जाके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में उसका विलय हो जाता है। तो एक बार ऐसा होता है कि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में कांग्रेस लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जितने भी युवा क्रांतिकारी थे वो सब एकत्रित हुए थे। तो और वहीं पे जो है अंग्रेज लोग का अत्याचार वहां पे ऐसा होता है जो कि आप खुद विजुअलाइज कीजिएगा, मैं बता के उसका सस्पेंस रिवील नहीं करना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं सेकंड सीन। नौजवान साथियों, हमारा देश एक अव्यवस्था की स्थिति से गुजर रहा है। क्या बार बार यह सुनना कि एक स्वशासन के योग्य नहीं है, यह अपना जन्म बात है कि नहीं? उस भारत में जहां द्रौपदी के सम्मान में महाभारत जैसा महायुद्ध लड़ा गया, वहां 1919 में दर्जनों द्रौपदियों की बेइज्जत किया गया, उनके नंगे चेहरे पर थूका गया। क्या हमने यह सब नहीं देखा? फिर भी इस मौजूदा व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं? क्या यकीन योग्य है? नहीं। अब इन्हीं अंग्रेजों का अत्याचार नहीं करूंगा। क्या हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई देवी शक्ति या कोई जादू हो जाए जो हमें इन फिरंगियों के जंजीरों से आजादी दिला दे? नौजवानों जागो, हमने नौजवानों से अपील की है, क्योंकि नौजवान जिन्हें आजादी लेनी होती है उन्हें स्वयं आजादी के लिए चोट खानी पड़ती है। इसलिए हम नौजवान से अपील करते हैं, क्योंकि नौजवान बहादुर होते हैं, नौजवान भाव के उदार होते हैं, नौजवान सहिष्णुता को अपने ऊपर बिना किसी हिचकिचाहट के इन अंग्रेज फिरंगियों के जुल्मों को सहने की क्षमता रखते हैं। और इन अंग्रेजों की क्रांतिकारियों के सहयोग से हम अपने देश को आजादी की पेड़ियों से मुक्त करा सकते हैं। हमारे भारतीय नवयुवकों के सामने जो काम है
वो काम बहुत कठिन है और उसके सामने साधन भी बहुत थोड़े हैं। उसके बावजूद भी हमारे भारतीय नवयुवक अपने निष्ठा और कर्म से भारत को आजादी दिलाता रहेंगे। So, what's the matter? A meeting is organized under the leadership of Lala Lajpat Rai against the Swedish government. क्या है इच्छा दस्ती का उनके नो नसी है और नहीं है
असेंबली लग चुका है और यहाँ पर जो अंग्रेज अंग्रेज के बचे हुए जो अधिकारी हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। लाहौर में जो अंग्रेजों का असेंबली होता है भगत सिंह उसको भुला देते हैं, यहाँ पर अंग्रेज सिपाही उनको अरेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए जेल का सीन, जेल में जब भारतीय कैदियों को रखा जाता था, भारतीय क्रांतिकारियों को रखा जाता था, तो वहाँ पे जेल में उनके साथ कितना क्रूरता बरसाया जाता था। तो नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे जेल का सीन। अंग्रेजों के टाइम में भारतीय कैदी के साथ जेल में कैसी क्रूरता होती थी, पानी भी नहीं दिया जाता था, इनफैक्ट पानी ला करके उनके पास उनके मुंह के पास गिराया जाता था और अंत में घड़ा भी तोड़ दिया जाता था, जो बर्तन था उसको फेंक दिया जाता था। तो अब अगले फिल्म में देखेंगे भगत सिंह जब जेल में जाते हैं तो वहां भी वो शांत नहीं बैठते हैं, वहां भी है जो अपना क्रांतिकारी जो उनका विचारधारा था, वहां भी वो लोगों के बीच में जितने भी कैदी है वहां भी उनको जगाते हैं और वहां भी आजादी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। इंकलाब बात है लीजिए, इंकलाब बार बार जो इंकलाब बोलते हो इसका मतलब जानते हो, इंकलाब एक नारा है जो जिंद के खिलाफ लड़ाई है, इंकलाब एक नारा है जो कि आदमी को आदमी पर शोषण करने के लिए रोकता है, इंकलाब एक हथियार है जो देश के नौजवानों को एकजुट करता है मां भारती की आजादी के लिए, इसे बताने के लिए मतलब समझी के रहो तो तुम भी रहते साथ निभाने के लिए नहीं नहीं नहीं
जेल में आपको दिखाया गया कि भगत सिंह का वहां पे कैसा विचारधारा था, वो जेल में थे तब भी कैसे थे। अब देखिए कि जब उनका फांसी का समय नजदीक आने वाला होता है तो देखिए अंग्रेज उनसे पूछते हैं तो वो क्या क्या बताते हैं और अंतिम समय में भी वो कैसे थे। चलिए अब आप लोग का समय पूरा हुआ, ठहरो तो जरा, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो लेने दो। चलो ले चलो। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी दिनांक 24 मार्च 1930 को। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गहराई से पढ़िएगा, भगत सिंह को तो ही पता चलेगा। उनका फांसी का जो डेट था वो था 24 मार्च 1930, पर उनके जेल के आगे इतना लोग जमा हो गए थे उनके चाहने वाले कि अंग्रेज आनंद फानन में ये देखते हुए कि 24 तारीख को भगदड़ मच जाएगा या हमारा जेल नहीं बचेगा, उसके आनंद फानन में एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1930 को ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जिसकी फांसी की सजा सुना दी गई है उसके एक्चुअल डेट से पहले, यानी फांसी का डेट जब डिसाइड हो जाता है, जब सजा सुना दी जाती है तो फांसी का डेट का एक मिनट भी या एक सेकंड भी जरूर नहीं होता है, लेकिन भगत सिंह को पूरे 24 घंटा पहले फांसी दे दिया गया था। तो अब देखिए लास्ट टाइम में वो कैसे थे एकदम जब उनका फांसी होने वाला होता है।
छोटी सी नाट्य प्रस्तुति, तो आप लोग बताइए कैसा होगा आपका नाटक।